तो आपकी जिंदगी हर मुसलमान के लिए आइडियल है, आपकी जिंदगी हर मुसलमान के लिए उस्वा है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हमें कब्र के अंदर पूछा जाएगा, तो अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक आपके सामने काफी बातें इससे पहले आ चुकी हैं और आज के दर्स में भी काफी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बयान की गई। ये वो बुनियाद है जिसके बगैर किसी शख्स के इस्लाम का तस्वूर नहीं किया जा सकता, किसी के नजात का तस्वूर नहीं किया जा सकता। कब्र के अंदर जो तीन सवाल किए जाएंगे उनमें से तीसरा सवाल क्या होगा, मन नबी युग, तुम्हारे नबी कौन थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक किसी को बुनियादी चीजों की जानकारी नहीं है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को आइडियल नमूना नहीं बनाता, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करता, कम अज कम अल्लाह के रसूल के जो हुकूक हैं हर मुसलमान पर, इन हुकूक को अदा करने की कोशिश नहीं करता, तो ऐसे शख्स के लिए कब्र के अंदर जब सवाल किया जाएगा तो जवाब देना आसान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हमने बुनियादी मालूमात हासिल की, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर जो हुकूक हैं इन हुकूक की मारिफत भी हासिल करें, ताकि हम इन हुकूक को बेहतर अंदाज में अदा कर सकें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत हमें जन्नतुल फिरदौस के अंदर हासिल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी तौर पर हर मुसलमान पर तकरीबन 8 हुकूक हैं। पहला हक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुसलमान पर ये अकीदा रखे कि अल्लाह के रसूल इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे, और ये हक हर मुसलमान कलमे शहादत के अंदर क्या करता है, इकरार करता है, गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस कलमे शहादत में हर इंसान गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं। तो ये अल्लाह के रसूल का पहला हक है हम पर कि अल्लाह के रसूल को हम क्या समझें, अल्लाह के रसूल को हम अल्लाह का बंदा समझें, अल्लाह के रसूल को इस बंदगी से ऊपर उठाकर कोई दूसरी मखलूक समझना कि अल्लाह के रसूल नऊज़ु बिल्लाह क्या थे, नूरुम मिन अल्लाह थे, अल्लाह के नूर थे, तो ये अल्लाह के रसूल के साथ हक तल्फी है। कलमे शहादत की क्या है, धज्जी उड़ाना है, कलमे शहादत का एक हिसाब से इनकार है, गोया कि वो इस कलमे को सिदके दिल से कबूल नहीं कर रहा है। तो ये अल्लाह के रसूल का पहला हक है कि अल्लाह के रसूल के बारे में हम क्या अकीदा रखें, आप अल्लाह के बंदे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलै, ऐ नबी आप कह दें कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, फर्क यह है कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आती है, दूसरों के पास अल्लाह की तरफ से वही नहीं आती। तो बशर होने में अल्लाह के रसूल दूसरे लोगों के जैसे थे, लेकिन फर्क क्या था, अल्लाह की तरफ से आपके पास वही आती थी, फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते थे अल्लाह की तरफ से वही लेकर, आम लोगों के पास जिब्रील अमीन वही लेकर नहीं आते। तो ये फर्क है आम लोगों में और अल्लाह के रसूल के दरमियान। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तज़किरा किया मेराज के वाकये में, तो क्या फरमाया, आपके लिए कौन सा लक़ब इख्तियार किया, सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह के रसूल के लिए अब्द का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बड़ी क्या है, पाक है, जिसने अपने बंदे को इसरा कराया, मक्के मुकर्रमा से एक ही रात में बैतुल मक़दिस तक सफर कराया। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सा लफ्ज इख्तियार किया, अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये अल्लाह के रसूल का पहला हक है। दूसरा हक है अल्लाह के रसूल का कि आपको सच्चा रसूल तस्लीम किया जाए, आपको सच्चा रसूल तस्लीम किया जाए कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आपकी रिसालत में जर्रा बराबर भी कोई शको शुभा नहीं है, इसी तरह आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ये अल्लाह के रसूल का दूसरा हक है। बाद लोग क्या कहते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रिसालत देकर भेजा था, नबुव्वत देकर भेजा था, गलती से नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद को ये रिसालत देकर चले गए। उम्मत के अंदर बाद लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये अकीदा रखते हैं, ये अल्लाह के रसूल की हक तल्फी है।
अगर कोई शख्स यह अकीदा रखे तो वह शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तो यह बुनियादी अकीदा अल्लाह के रसूल के बारे में, अल्लाह के रसूल को क्या समझा जाए, सच्चा रसूल तस्लीम किया जाए, जर्रा बराबर भी आपकी रिसालत में कोई शक नहीं है। इसी तरह आप आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अगर कोई आपके बाद भी किसी नबी के आने का कोई चांस रखता है तो वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई इबादत कर रहा है लेकिन अल्लाह के रसूल की रिसालत को तस्लीम नहीं कर सकता तो वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स जन्नत नहीं पा सकता। इम्कान नहीं है, कोई जर्रा बराबर अदना भी चांस नहीं है। बाप लोग क्या कहते हैं, 0000000 दम लंबा करें उसके बाद 0.1 इतना चांस हो सकता है। ये शरीयत के बुनियादी उलूम से ला इल्मी की दलील है। अगर शरीयत के बुनियादी मसाइल को उलमा से सीखा होता, पढ़ा होता, समझा होता तो कोई शख्स ऐसी बात नहीं कर सकता। ये बुनियादी चीजें हैं, इसके बगैर किसी के इस्लाम का तस्वुर नहीं किया जा सकता, किसी के जन्नत जाने का तस्वुर नहीं किया जा सकता। सलफ सालिह का मनहज नहीं है कि कोई शख्स अल्लाह के रसूल की रिसालत का इनकार करे और उसके लिए अदना सा भी कोई चांस हो, जर्रे के बराबर भी कोई चांस हो जन्नत जाने का, कोई जर्रा बराबर भी चांस नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल की रिसालत के बारे में उसे यकीन नहीं है, अगर कबूल नहीं करता, इकरार नहीं करता, तो ये दूसरा हक अल्लाह के रसूल का कि आपकी रिसालत को तस्लीम किया जाए। तीसरा हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुसलमान पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या जिम्मेदारी दी गई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को, अल्लाह की शरीयत को लोगों तक कमा हक्कहू पहुंचा दिया, अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर इस जिम्मेदारी को बयान किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को कमा हक्कहू अदा कर दिया, अल्लाह की शरीयत को बगैर किसी जर्रा बराबर कमी बेशी के लोगों तक अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया। मैदान अराफात में हज्जतुल विदा के मौके पर जब अल्लाह के रसूल के सामने एक लंबा सा और बहुत बड़ा मजमा था, अल्लाह के रसूल ने लोगों को गवाह बनाकर क्या कहा था कि अल्लाह की तरफ से जो शरीयत मुझे दी गई थी क्या मैंने तुम तक पहुंचा दी। लोगों ने क्या कहा था कि अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह की शरीयत को अब तक पहुंचा दिया है। अल्लाह के रसूल ने अपनी शहादत की उंगली को 3 मरतबा आसमान की तरफ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा फशहद, या अल्लाह तू गवाह हो जा, या अल्लाह तू गवाह हो जा, या अल्लाह तू गवाह हो जा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो शरीयत दी गई थी बगैर किसी कमी व बेशी के अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत को आपने लोगों तक पहुंचा दिया है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी गवाही दी है, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर अल्लाह के रसूल कुछ छुपाए होते, जैसे कि बाद लोगों का अकीदा है कि बहुत सारी चीजें अल्लाह के रसूल ने छुपा ली हैं। बाद लोग कहते हैं सहाबा इकराम के बारे में, सहाबा इकराम ने नऊज़ु बिल्लाह क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों को छुपा लिया है, खुसूसन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। बाद लोग क्या करते हैं, इस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छुपा लिया था, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आपने सुना है, नहीं सुना, चंद सालों पहले की बात है, सलमान नदवी साहब ने यही बात अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कही थी, इसी तरह की बात। तो ये एक मुसलमान का अकीदा नहीं हो सकता। जो शरीयत अल्लाह की तरफ से दी गई थी कमा हक्कहू बगैर किसी कमी बेशी के आपने लोगों तक पहुंचा दिया, सहाबा इकराम ने उन चीजों को सुना और आने वाली नस्ल तक उसे पहुंचा दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत तक के लिए उसकी हिफाजत का वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो ये अल्लाह के रब्बुल आलमीन की शरीयत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से जिस तरह अल्लाह के रसूल को अता किया गया था उसी तरह लोगों तक अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया। तो ये तीसरा हक है अल्लाह के रसूल का कि आपके बारे में ये हम यकीदा रखें। चौथा हक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपको हम मासूम जाने। अल्लाह के रसूल क्या थे, मासूम थे। मासूम का माना समझ रहे हैं ना, जैसे फरिश्तों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर क्या कहा, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है फरिश्तों को उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते, वो नाफरमानी कर ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को ये ताकत नहीं दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करें, मासूम है फरिश्ते। तो अल्लाह के रसूल के बारे में भी एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल क्या थे, मासूम थे। लेकिन अल्लाह के रसूल के अलावा दूसरे लोग
गर्चे वो सहाबा ही क्यों ना हो, मासूम नहीं थे, उनसे गुनाहों का सुदूर हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या थे? अल्लाह के रसूल मासूम थे। किस चीज में मासूम थे? अल्लाह के रसूल चार चीजों में मासूम थे। अल्लाह के रसूल चार चीजों में मासूम थे। पहली चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत को समझने में और लोगों तक पहुंचाने में अल्लाह की तरफ से मासूम थे। अल्लाह के रसूल से कोई गलती नहीं हो सकती अल्लाह की शरीयत को समझने में, लोगों तक पहुंचाने में अल्लाह के रसूल से कोई कोताही नहीं हो सकती, अल्लाह के रसूल मासूम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मासूम बनाकर आपको भेजा था इस बाब में, ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि दूसरे लोगों से होता है। उलमा चाहे कितने ही आला मर्तबे पर फाइज हो जाए, दुनिया के सबसे बड़े आलिम हो, फिर भी उनसे बेशुमार मसाइल को समझने में गलती हुई है। दुनिया का कोई ऐसा आलिम दीन नहीं है जिनसे तमाम मसाइल को समझने में दुरुस्तगी हुई हो और सही नतीजे तक पहुंचे हो। कोई दुनिया का ऐसा आलिम दीन नहीं है जिनसे कोई ना कोई गलती सादर हुई हो। हर आलिम से कोई ना कोई गलती जरूर सादर हुई है, लेकिन अल्लाह के रसूल से इस तरह की गलती शरीयत के मामले में सादिर होना मुमकिन नहीं है। अल्लाह के रसूल मासूम थे। आम उलमा एक मसला लोगों के सामने बयान करके जाते हैं, मसलन बयान करके आ गए कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता, जिस तरह बकरे का गोश्त, चिकन का गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता, इस तरह ऊंट का गोश्त भी खाने से वजू नहीं टूटता। फिर एक हफ्ते बाद आया और कहा कि मसले को समझने में गलती हो गई थी, एक हदीस नहीं मिली थी उस वक्त, अब मिली है सही सनद से, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। एक ही हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि नहीं टूटता, फिर कहने के टूट जाता है, तो मसले को समझने में गलती हुई ना कि अल्लाह के रसूल से ऐसा हो सकता है? मुमकिन नहीं है। अल्लाह के रसूल मासूम थे। अल्लाह की शरीयत को समझने में अल्लाह के रसूल से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह के रसूल की हदीस है ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह के रसूल समझने में गलती कर गए हों, नऊदु बिल्लाह मिन दालिक। अगर कोई ऐसा समझता है तो शक मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल मासूम थे इस बाब में, यह अकीदा रखना जरूरी है। दूसरी चीज जिसमें अल्लाह के रसूल मासूम थे वो है कुफ्र व शिर्क से अल्लाह के रसूल मासूम थे। कुफ्र व शिर्क से ना नबुवत मिलने के बाद और ना नबुवत मिलने से पहले, ना बचपने की जिंदगी में ना बुलूगत में, बुलूगत के बाद कभी भी अल्लाह के रसूल से कुफ्र व शिर्क का सुदूर नहीं हुआ है और ना अल्लाह के रसूल से इसका इम्कान था। मासूम थे अल्लाह के रसूल इस बाब में। तीसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलने से मासूम थे। जब सफा पहाड़ी पर अपने रिश्तेदारों को जमा किया, सबके सब जो सामने थे काफिर मुशरिक थे, बाद में अल्लाह के रसूल के साथ जिंदगी भर वो लड़ते रहे इसी कलमे को लेकर, अल्लाह के रसूल ने उनके सामने क्या कहा था कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो किसी भी वक्त तुम पर हमलावर हो सकता है, तो क्या सिर्फ खबर देने से तुम मान लोगे मेरी बात? तो उन्होंने क्या कहा था, मा जर्रबना अलैका कदीबा, जिंदगी भर कभी हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया। ये दुश्मनों का क्या था, दुश्मनों की तरफ से शहादत थी, गवाही थी अल्लाह के रसूल के बारे में। तो अल्लाह के रसूल इस बाब में मासूम थे। चौथी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहे कबीरा में क्या थे, मासूम थे। अल्लाह के रसूल से गुनाहे कबीरा का सुदूर नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इस बारे में अल्लाह के रसूल के बारे में गवाही दी है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक के बुलंद मर्तबे पर आप फायज हैं। कोई शख्स जो गुनाहे कबीरा के अंदर मुलव्विस हो, क्या उसके बारे में कहा जा सकता है कि बहुत ही बुलंद अखलाक के मर्तबे पर फायज है, ये उनका अखलाक बहुत ही आला है? कोई शख्स अगर शराबी हो, जिना करने वाला हो, गीबत चुगली करने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, क्या ऐसे शख्स के बारे में कहा जा सकता है किसी भी मुआशरे में कि बहुत ही आला अखलाक वाला? मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दी, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ रसूल आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज है। तो अल्लाह के रसूल क्या थे, गुनाह कबीरा के सिलसिले में मासूम थे। गुनाह कबीरा हमने कहा, गुनाह सगीरा नहीं कहा। क्या गुनाह सगीरा का सुदूर अल्लाह के रसूल से मुमकिन है? फिर गुनाह कबीरा क्यों कहा हमने? हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह कबीरा के सिलसिले में मासूम थे, लेकिन गुनाह सगीरा के बारे में मासूम नहीं थे। जैसे कि आम इंसान गुनाहों में मासूम नहीं है, हमसे गुनाह सरजद होती रहती हैं, गुनाह सगीरा के बाब में अल्लाह के रसूल मासूम नहीं थे।
यानी इम्कान है गुनाह सगीरा के सादिर होने का। इम्कान का माना ये है कि हो ही गया है, जैसे हमसे गुनाह का सुदूर मुमकिन है या नहीं है, लेकिन क्या मुमकिन होने की वजह से किसी को भी आप इल्जाम लगा देंगे कि फला शख्स जानी है, फला शख्स शराबी है? जब तक ना कर ले तब तक तो आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। तो इम्कान अल्लाह के रसूल के जात में गुनाह सगीरा का मौजूद था। क्या अल्लाह के रसूल से हकीकत में गुनाह सगीरा का सुदूर हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस बारे में हम सिर्फ उतना ही कहेंगे जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर खबर दिया है। जिन चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है सिर्फ उस पर हम ईमान लाते हैं कि अल्लाह के रसूल से इन चीजों का सुदूर हुआ। गुनाह सगीरा का सुदूर बाद चीजों में अल्लाह के रसूल से हुआ है, लेकिन जहां पर गुनाह सगीरा की बात उलमाए अहले सुन्नत वल जमात करते हैं, सलफ़े सालिहीन करते हैं, वहां कई कैद के साथ इस मसले को जिक्र करते हैं। इन कयूद के बगैर अलल इतलाक इस मसले को जिक्र करना जायज नहीं है। पहली चीज कि अल्लाह के रसूल से आमदन जानबूझकर इन गुनाह सगीरा का सुदूर नहीं हुआ, खतान हुआ है, चूक हुई अल्लाह के रसूल से। दूसरी चीज कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस गुनाह पर बाकी नहीं रखते, बरकरार नहीं रखते, फौरन उसकी इस्लाह हो जाती है और अल्लाह के रसूल क्या करते हैं, जो सही है, जो दुरुस्त राय है, उसकी तरफ पलट आते हैं। और तीसरी चीज उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उन चीजों से तौबा भी कर लिया। एक आम इंसान भी अगर गुनाहों के अंदर लतपत हो, गुनाह कबीरे के अंदर भी, कुफ्र और शिर्क के अंदर भी, तब भी अगर तौबा करे तो क्या हो जाता है, वो गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह के रसूल अगर इन आमदन नहीं खतान चूक से भी अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह के रसूल अगर तौबा करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेंगे। तो अल्लाह के रसूल से इन तीन शर्तों के साथ गुनाह सगीरा के सादिर होने के इम्कान को कबूल किया जा सकता है। लेकिन क्या आम इंसान इस बारे में जज बन के इस तरह फैसला करेगा कि अल्लाह के रसूल से फला गलती हुई है? नहीं, बल्कि जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबर दिया है सिर्फ वहां पर हम तस्लीम करेंगे। अपनी तरफ से फैसला करने की किसी को इजाजत नहीं है कि अल्लाह के रसूल से फला काम ये गलत हो गया, फला काम गलत हो गया। ये आम इंसान के इख्तियार में नहीं है कि अल्लाह के रसूल के बारे में इस तरह की बात करे। जैसे कि गज़वे बदर के जो कैदी थे, अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा तलब किया कि इनके साथ क्या किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या मशवरा दिया था कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मशवरा आया कि सबको कत्ल किया जाए और जो जिनके रिश्तेदार हैं वो अपने रिश्तेदारों को कत्ल करें, और मैं शुरुआत करता हूँ अपने रिश्तेदारों को कत्ल करने के साथ। अल्लाह के रसूल ने इख्तियार कौन सा मशवरा किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। यह आपका इज्तिहाद था, कुरान की आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह के रसूल को सरजनिश की गई, अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। तो यहां पर अल्लाह की तरफ से बयान किया गया कि यह फैसला दुरुस्त नहीं था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फैसला था वही दुरुस्त फैसला था, तो यहां पर हम तस्लीम कर सकते हैं। तो इन जगहों पर इस तरह की चीजें अगर कुरान के अंदर मौजूद हैं तो इन चीजों को तस्लीम सिर्फ करेंगे इन कयूद के साथ, अलल इतलाक नहीं। यानी आमदन अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया है, खतान ऐसा हुआ है, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तंबीह हो जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गलती पर आपको बाकी नहीं रखते। और तीसरी चीज कि अल्लाह के रसूल उसके बाद तौबा भी करने वाले हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल एक एक मजलिस में 70 मरतबा 100 मरतबा इस्तिगफार किया करते थे। तो ये है चार चीजें जिन चीजों के बारे में, जिन चार चीजों के बारे में अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक अकीदा रखना जरूरी है कि अल्लाह के रसूल इन चार चीजों में क्या थे, मासूम थे। पहली चीज अल्लाह की शरीयत को समझने और लोगों तक पहुंचाने में, दूसरी चीज कुफ्र और शिर्क में, तीसरी चीज झूठ बोलने में, और चौथी चीज गुनाह कबीरा में। इन चार चीजों के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल को मासूम समझा जाए, ये अल्लाह के रसूल का हक है हर मुसलमान पर। तो ये कुल चार हुकूक अब तक बयान हुए, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बंदा समझना, दूसरा हक क्या है अल्लाह के रसूल को सच्चा रसूल तस्लीम करना, कबूल करना, तीसरा हक है अल्लाह के रसूल का कि अल्लाह की तरफ से जो शरीयत दी गई थी कमा हक कहू बगैर किसी कमी बेशी के लोगों तक पहुंचा दिया है, और चौथा हक है अल्लाह के रसूल को मासूम समझा जाए चार चीजों में। पांचवा हक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह के रसूल से हर चीज से बढ़कर मोहब्बत की जाए, यहां तक कि अपने नफ्स से बढ़कर, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, दुनिया की तमाम चीजों से, तमाम लोगों से, यहां तक कि अपने नफ्स से भी बढ़कर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए, अल्लाह के रसूल का हक है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहा, अल्लाह के रसूल दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे मेरी मोहब्बत है,
सिवाय अपने नफ्स के। अपने नफ्स के बाद अगर कोई चीज महबूब है मेरे नजदीक तो आपकी जात है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, हत्ता बिन नफ्स का या उमर, अपने नफ्स से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी उमर। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन क्या कहा, हत्ता बिन नफ्स या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल अपने नफ्स से भी ज्यादा अब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये जबानी दावा नहीं था, सहाबा इकराम ने एक दो जगहों पर नहीं सैकड़ों जगहों पर इस दावे को सच कर दिखाया कि हकीकत में उनके अल्लाह के रसूल के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। अपने नफ्स से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा अल्लाह के रसूल से वो मोहब्बत करते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से इख्तलाफ होने के बाद नानो नफका के सिलसिले में ईला करके कसम खाकर एक महीने के लिए बालाखाने में चले गए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे अल्लाह के रसूल के घर, इजाजत तलब की दरबार से कि अल्लाह के रसूल से कहे मैं अल्लाह के रसूल से बात करना चाहता हूं। इजाजत नहीं मिली, दूसरी मरतबा कहा फिर इजाजत नहीं मिली, तीसरी मरतबा फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहा कि शायद अल्लाह के रसूल ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की तरफदारी करने के लिए आया हुआ हूं, क्योंकि उनकी लख्ते जिगर हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी। तो कहीं अल्लाह के रसूल के दिल में ये ना आए कि मैं अपनी बेटी की तरफ से तरफदारी करने के लिए आया हुआ हूं। अल्लाह के रसूल को बता दे कि अगर अल्लाह के रसूल कहें तो अभी मैं अपनी बेटी की गर्दन मार दूं। ये सही मुस्लिम के अंदर वाकया मौजूद है। तो ये थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उन्होंने कहा हत्ता मिन नफ्सी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अपने नफ्स से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, तो सिर्फ ज़बानी दावा नहीं था, हकीकत में इस दावे को एक दो जगहों पर नहीं सैकड़ों जगहों पर सहाबा इकराम ने साबित कर दिखाया। तो ये अल्लाह के रसूल का हक है कि सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से हमारी मोहब्बत हो। छठा हक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह के रसूल की कमा हक़हु तअज़ीम की जाए। ये तअज़ीम करना मोहब्बत से आला दर्जा है, तअज़ीम करना मोहब्बत से कहीं आला दर्जा है। बहुत सारे मौकों पर हर एक को तजुर्बा है, घर के अंदर बीवियां मोहब्बत करती हैं लेकिन हर एक को पता है कि कितनी तअज़ीम करती हैं, कभी करती भी हैं, लेकिन तअज़ीम क्या है, ये आला दर्जा है, मोहब्बत से भी ऊंचा दर्जा है। अल्लाह के रसूल की तअज़ीम जरूरी है। सहाबा इकराम पस्त आवाज में अल्लाह के रसूल के सामने बोलते थे, इतने पस्त आवाज में इतना एहतराम करते थे कि कहीं अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना हो जाए। खुसूसन इस आयत के नाजिल होने के बाद इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़्वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन्नबी। सहाबा इकराम इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के रसूल से हम कलाम होते थे, यहां तक कि आंख उठाकर अल्लाह के रसूल से आंख नहीं मिलाते, फौरन उनकी नजरें झुक जाती अल्लाह के रसूल के सामने। ये तअज़ीम का दर्जा था। एक मरतबा मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में दो लोग ऊंची आवाज में बात करने लगे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का जमाना था। उन दोनों को बुलाया, पूछा कि कहां से आप लोग हैं। उन दोनों ने कहा कि ताइफ से हम आए हुए हैं। कहा कि बच गए आप लोग, अगर मदीने के होते तो ऐसी सजा देता कि याद रहता आप लोग। अल्लाह के रसूल की मस्जिद में आप मौजूद हैं और ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की मस्जिद में। गौर करें कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद है सिर्फ, और ऊंची आवाज में बात करने को उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तअज़ीम रसूल के खिलाफ समझ रहे हैं। तो यह है तअज़ीम का माना कि अल्लाह के रसूल की तअज़ीम की जाए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जब दर्स के लिए निकलते अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ाने के लिए तो इंतहाई साफ सुथरा लिबास पहनते, इत्र लगाते। लोगों ने कहा कि बहुत सारे उमरा उज़रा आपके पास आते हैं मिलने के लिए, उनके लिए आप इतना सजते संवरते नहीं हैं, लेकिन इन फकीर तलबा के लिए जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिन्हें कोई पहचानता नहीं, इनके लिए इस तरह एहतमाम करने की क्या वजह है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने क्या जवाब दिया था, उबज्जिलु हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ाने के लिए निकल रहा हूँ, हदीस रसूल की तअज़ीम के लिए मैंने ये किया है। तो यह है तअज़ीम का माना। सलफ़े सालिहीन की जिंदगी में अगर तअज़ीम का बाप सिर्फ आप उठा लें तो दंग रह जाएंगे कैसे उनके दिल में अल्लाह के रसूल की आजमत थी। जब पढ़ते थे कोई किताब, जैसे हदीस की किताब है तो अल्लाह के रसूल का नाम आएगा, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ होगा, तो उस जगह पर जहां पर मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, मोहम्मद पढ़ने के बाद अपनी नजर आसमान की तरफ कर लेते, नजर उठा लेते किताब से और अपनी जबान से कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी किताब में लिखा हुआ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से मैंने अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजा है। ये एहसास दिल के अंदर जगाते थे। तो ये माना है अल्लाह के रसूल के साथ तअज़ीम करने का। तो ये तअज़ीम अल्लाह के रसूल का हक है।
आज दुनिया में तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे ताजिम के बाब में। एक हैं मुबालगा करने वाले, और अल्लाह के रसूल का जो मकाम और मर्तबा है उससे बुलंद करके अल्लाह तक पहुंचा देने वाले बहुत सारे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिन चीजों को मांगना चाहिए किन से मांगते हैं? अल्लाह के रसूल से मांगते हैं। नऔज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब हैं। तो इस तरह बेशुमार चीजें हैं जो हकीकत में अल्लाह की आयत है, अल्लाह के रसूल को दिए हुए हैं। तो ताज़ीम के बाब में एक गिरोह यह है जो मुबालगा करते हैं, गुलू करते हैं, यह हराम है। दूसरा गिरोह यह है जो तौहीन करते हैं और अल्लाह के रसूल की हदीसों को शरीयत ही नहीं समझते, हुज्जत नहीं समझते, अलल ऐलान कहते हैं कि हमारे लिए दलील सिर्फ कुरान है, हदीस रसूल हमारे लिए दलील नहीं है। यह एक तारीखी दस्तावेज है, और अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है। अगर सराहत के साथ इनकार ना भी करें, चोर दरवाजा जरूर निकालते हैं, चोर दरवाजा जरूर निकालते हैं। कुरान और सुन्नत के दरमियान तफरीक करते हैं, कुरान आला है, ऊपर है, हदीस रसूल का मकाम वो नहीं हो सकता हुज्जत और शरीयत होने के एतबार से। हालांकि खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने अल-किफाया के अंदर इजमा नकल किया है तमाम सलफ सालेहीन का कि शरीयत के दलील होने के एतबार से कुरान और सुन्नत दोनों का मकाम बराबर है। यह है हदीस रसूल का मकाम और मर्तबा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसके अंदर शक व शुबा पैदा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं या इनकार ही कर देते हैं कुल्लिया। और ये एक अफसोस की बात है, लंबी फहरिस्त है जिसमें मौलाना मौदूदी भी है, सर सैयद अहमद खान भी है, अहमदीन अमृतसरी है, लंबी फहरिस्त है। अभी एक आध महीना पहले ही मेरा एक मजमून बहुत लंबा है फ्रीलांसर में नशर हुआ है, मेरे फेसबुक टाइमलाइन पर भी उसको नशर किया था, अगर मुमकिन हो तो इसे पढ़ लें। उसका उन्वान है इनकार सुन्नत की नई शक्लें, इनकार सुन्नत की नई शक्लें। इस मजमून को पढ़ें तो दो ही, एक मुबालगा गुलू करने वाले और कुछ लोग अल्लाह के रसूल की तनकीस करने वाले, और तीसरा जो इतदाल पर कायम है, जो इतदाल पर कायम है, और कौन है? अहले सुन्नत वल जमात, जो अल्लाह के रसूल का हक है, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, उनको के मनहज पर चलने वाले, अल्लाह के रसूल का जो सही हक है, जो जिस तादीम के अल्लाह के रसूल मुस्तहिक है, वही दर्जा अल्लाह के रसूल को अता करते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल का हक है। सातवां हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह के रसूल की क्या की जाए? इताअत की जाए, जो अल्लाह के रसूल हुक्म दे अल्लाह के रसूल की बात को बिला चूचरा तस्लीम कर लिया जाए। अगर कोई शख्स बिला चूचरा अल्लाह के रसूल के हुक्म को तस्लीम नहीं करता तो ये उसके दायरे इस्लाम से निकलने का सबब भी बन सकता है। तो अल्लाह के रसूल का हक है। इसी तरह आखिरी हक है, अल्लाह के रसूल जिनके साथ मोहब्बत करते थे उनके साथ मोहब्बत की जाए, और अल्लाह के रसूल जिनके साथ नफरत करते थे उनके साथ नफरत की जाए। अल्लाह के रसूल किनके साथ मोहब्बत करते थे? अपने सहाबा के साथ मोहब्बत करते थे। अल्लाह के रसूल अपने अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत करते थे, आले बैत के साथ मोहब्बत करते थे, अशरे मुबशरा के साथ मोहब्बत करते थे, इनके साथ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी। आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाक बुग्दुल अंसार, अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि अंसार से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, अंसार से बुग्द रखना निफाक की अलामत है। ऐसा शख्स मोमिन है जो अंसार से मोहब्बत किए, और ऐसा शख्स मुनाफिक है जो अंसार से बुग्द व हसद रखे, कीना कपट रखे। अगर कोई शख्स इन सहाबा इकराम से बुग्द व हसद रखे तो शख्स मुसलमान हो सकता, उसके इस्लाम का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अगर कोई सहाबा इकराम के ताल्लुक से अपनी जबान गंदी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नुफूस कुदसिया के सिलसिले में हमें क्या तालीम दी है? والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तालीम दी है कि हम अपनी दुआओं में अपने साथ इन सहाबा इकराम को भी शामिल करें। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ये अल्लाह तू हमें बख्श दे और हमारे उन मोमिन भाइयों को भी जो हमसे पहले सबकत कर चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाया है, अल्लाह उनको भी बख्श दे। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ए अल्लाह मोमिनों के लिए हमारे दिल में जर्रा बराबर कोई कीना कपट ना हो, कोई बुग्द व हसद ना हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम दी कि उनके साथ हम ऐसा रवैया करें। अगर किसी के दिल में किसी सहाबी के ताल्लुक से बुग्द व हसद हो तो शख्स मोमिन हो सकता है? सलफ सालीन ऐसे लोगों को जिंदीक समझा करते थे जो किसी सहाबी रसूल के बारे में इस तरह बदजुबानी करे, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता।
इमाम मालिक रहमहुल्ला फरमाते हैं कि सलफ सालिहीन अपने बच्चों को अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के सिलसिले में उसी तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की किसी सूरह की तालीम देते थे, जिस तरह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाते, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत भी दीन का हिस्सा है, सिखाते अपने बच्चों को। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 8 हुकूक हैं। इन हुकूक को अगर कोई शख्स पूरा करे तो इंशाल्लाह जब उसे कब्र में सवाल किया जाएगा मन नबी युक तुम्हारे नबी कौन है, तो इंशाल्लाह उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होगा। लेकिन इन हुकूक की मारिफत ना हो, अल्लाह के रसूल के बारे में बुनियादी तालीमात हासिल ना करे, ना इन हुकूक को अदा करने की कभी उसको फिक्र हो, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के सिलसिले में कब्र के अंदर जब उनको सवाल किया जाएगा तो उनके लिए जवाब देना आसान नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ते, इन तमाम हुकूक को कमा हक्कहु अतम दर्जे पर पूरा करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल रब्बुल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم।